हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है डॉट कॉम। माई नेम इज़ नीमा डोबरियाल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम करेंगे अकाउंट्स एक्चुअल में होता क्या है। अब ये देखो, सबसे पहले अकाउंट्स एक्चुअल में होता क्या है इसको करने से पहले हम क्या देखेंगे, हम जितनी भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती हैं हम उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अब वो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, अब हमने ट्रांजेक्शन हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, ठीक है। अगर कोई हमारा अकाउंट चेक कर रहा है तो वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगा ना हमसे कहेगा आप हमें एविडेंस दो आपने किस बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है, ठीक है। अगर हम उसको एविडेंस ही नहीं दे पाएंगे तो उस अकाउंट्स का हमारा फ़ायदा क्या होगा। तो हम जो ट्रांजेक्शन है हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, हमारे जो डिफरेंट सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेसिस पे। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अब किस तरह के हो सकते हैं, लाइक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमारा बिल्स ऑफ परचेज हो सकता है, इनवॉइस फॉर सेल्स हो सकता है, डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स हो सकता है, और भी बहुत सारे अकाउंट्स एविडेंस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स करते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के टू रूल्स होते हैं मेनली। फर्स्ट रूल होता है आपका डेबिट एंड सेकेंड रूल होता है क्रेडिट, ठीक है। अब ये जो अकाउंट्स होते हैं मेनली इसी रूल्स पे रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं और जो ट्रांजेक्शन होती है वो रिकॉर्ड होती है। मेनली टू पर्पज़ होते हैं इनको बनाने के, एक जनरल पर्पज़ होता है, एक स्पेशल पर्पज़ बुक होती है। जनरल पर्पज़ बुक में आप जनरल जो आपकी एंट्री होती है वो रिकॉर्ड करते हो, और स्पेशल पर्पज़ बुक में आप उस अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो जिस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में आप जानना चाहते हो। तो जर्नल और स्पेसिफिक टू टाइप्स के अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ सकते हैं। एक जर्नल अकाउंट्स होता है, एक स्पेसिफिक अकाउंट होता है। अब एक्चुअल में अकाउंट्स होते क्या हैं, एन अकाउंट्स इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। मीन्स एक अकाउंट किसी भी ट्रांजेक्शन का ऐसा समराइज रिकॉर्ड है, उसको ऐसा शॉर्ट फॉर्म में बनाना किसी भी ट्रांजेक्शन को कि वो एक ही प्लेस पे लाया जा सके, एक ही पर्टिकुलर हेड के अंदर लाया जा सके। हमने मान लिया आपके ऑफिस एक्सपेंस है, ठीक है। अब ऑफिस एक्सपेंस आपने एक पर्टिकुलर हेड बनाया, मीन्स आपने हेडिंग डाली ऊपर ऑफिस एक्सपेंसेस, और आप वो जितने भी रिलेटेड उससे ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो आप सारे उस ऑफिस एक्सपेंस हेड के अंदर डालेंगे। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे बहुत सारे होते हैं, हमारे टेलीफोन के चार्जेस आ गए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ गए, हमारे जो ऑफिस से रिलेटेड इंप्लॉयज हैं उनको हमने सैलरी देनी है, वो सारे एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे हम ऑफिस एक्सपेंसेस हेड में डालेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, अकाउंट है हमारा एक समराइज रिकॉर्ड करना किसी भी ट्रांजेक्शन का किसी एक प्लेस पे, और वो प्लेस कहाँ बनाएंगे हम, किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है, इट रिकॉर्ड नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। अब क्या है, ये हमारा अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड नहीं करता, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करता, ये उसके बारे में उसकी इफेक्ट, उस ट्रांजेक्शन की इफेक्ट क्या होगी और उससे रिलेटेड डायरेक्शन क्या मिलेगी उसके बारे में बताता है। हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, आपने एक्सपेंस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड किया, अब उसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस हुआ है तो क्या होगा, हमारे पास से मनी जाएगी तो उसका इफेक्ट पड़ा है ना, हमारे पास से मनी गई है, ठीक है, तो वो उसका इफेक्ट हो गया। और उसका डायरेक्शन क्या है, और वो डायरेक्शन है मीन्स ये किस चीज में जाएगा, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर चेक प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। कंपनी के जो अकाउंट होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं, हम क्या चेक करने के लिए कंपनी से रिलेटेड अकाउंट बोलते हैं, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, और जो कंपनी के कंपनी से रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको भी मेंटेन करने के लिए हम अकाउंट्स को बनाते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, हमें बहुत सारे हमारे एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारे हमारे रिवेन्यू होते हैं जिससे रिलेटेड हमें बहुत सारे गेन, हमें हम ये चाहते हैं कि हमारे प्रॉफिट में हमको हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट हो, हमें लॉस भी हो सकता है, तो हम इससे रिलेटेड हमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है, तो इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और कंपनी मेनली क्यों बनाती है, क्योंकि जो अदर पार्टी हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होंगी तो वो देख सकेंगी कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, तो इसलिए
अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी बनाती है और अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ताकि वो जिस चीज की भी उसको जरूरत पड़े तो आसानी से, जब उसके पास सिस्टमैटिकली किसी चीज का रिकॉर्ड होगा तो आसानी से देख सके, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। तो इसलिए कंपनी अकाउंट का प्रिपरेशन करती है। अब अकाउंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका डेबिट एंड सेकंड साइड इज क्रेडिट। ठीक है, अब ये जो अकाउंट है आपका यूजुअली टी फॉर्म में बनाया जाता है। आपका टी फॉर्म क्या होता है? हॉरिजेंटली फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेआउट ऑफ एन अकाउंट। अब लेआउट ऑफ एन अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हमने अकाउंट लिया, लाइक वेज अकाउंट ले लिया हमने, वेज अकाउंट लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो उसकी वेजेस अकाउंट के पार्ट्स होंगे वो दोनों पार्ट सेम रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में सबसे ऊपर वाले पार्ट में आएगा अकाउंट का नाम, किसी भी अकाउंट का नाम डाल दिया आपने, लाइक आपने वेज अकाउंट बनाया तो आपने वेजेस अकाउंट का नाम डाला सबसे ऊपर वाले हेड में। देन आपने लेफ्ट हैंड साइड, आपके लेफ्ट हैंड साइड होगी डेबिट साइड एंड आपके राइट हैंड साइड होगी आपकी क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपका सबसे फर्स्ट हेड होगा डेट, डेट में सेकंड हेड होगा आपका पर्टिकुलर, थर्ड हेड होगा आपका जेएफ, जेएफ मीन जनरल फोलियो या फोलियो, लास्ट हेड में होगा आपका अमाउंट, जो भी डेबिट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अमाउंट है वो आपका लास्ट हेड में होगा। देन आपकी सेकेंड साइड स्टार्ट होती है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपकी। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट हेड आएगा आपका डेट, सेकेंड हेड आएगा पर्टिकुलर, थर्ड हेड आएगा आपका जीएफ, दोबारा से जीएफ का मीन से आपका जनरल फोलियो या फोलियो, देन लास्ट हेड आपका अमाउंट क्रेडिट से रिलेटेड। अब डेट में क्या होता है आपका? डेट में जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो किस डेट को हुई है उससे रिलेटेड जो भी डेट है वो आपके डेट हेड में आ जाएगी। अब पर्टिकुलर में क्या आएगा? पर्टिकुलर में आपका आएगा आपने वेजेस अकाउंट बनाया है। ठीक है, आप वेजेस अकाउंट में वेजेस अकाउंट का तो नाम लिखेंगे नहीं, आप पर्टिकुलर में क्या करेंगे? जो भी वेजेस अकाउंट को इफेक्ट करेंगे, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है, जो वेजेस अकाउंट को जो ये ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर रही है, जो भी अकाउंट इस ट्रांजैक्शन को अफेक्ट कर रहा है वो आप पर्टिकुलर में डालेंगे, मीन्स नेम ऑफ अकाउंट वेजेस अकाउंट को छोड़ के। ठीक है, जो आपने अकाउंट बनाया उसको छोड़ के आप पर्टिकुलर में अकाउंट डालेंगे जो उस ट्रांजैक्शन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जनरल फोलियो। जनरल फोलियो में आप जनरल फोलियो को फोलियो भी बोल सकते हैं, ये मींस एक रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर मींस आपका, आपने जर्नल बुक में इस ट्रांजैक्शन को किस पेज पे आपने रिकॉर्ड किया हुआ है वो आपका जर्नल फोलियो है। मींस अब आपको उस जर्नल बुक को पलटने की इतनी बार जरूरत नहीं है, आप सिंपल इस अकाउंट को देखिए, आप पेज नंबर देखिए, आपने किस पेज नंबर पे इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, और देन इस पेज नंबर को देख के आप सिंपली जर्नल फोलियो में मीन्स जर्नल बुक में ये अकाउंट, ये ट्रांजैक्शन आप इजीली देख सकते हैं। अब लास्ट साइड है हमारा अमाउंट डेबिट साइड का। देन अमाउंट डेबिट साइड के अमाउंट में हम क्या लिखेंगे? जिस जो भी इससे रिलेटेड मनी है, मीन्स जो भी हमने कैश हमें मिला है या हमारा गया, कुछ भी रिलेटेड मनी फॉर्म में वो इसमें इस हेड में डालेंगे अमाउंट में। देन हमारा राइट हैंड साइड का फर्स्ट हेड है डेट, इसमें भी वही होगा, जो हमारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेट है वो डेट आ जाएगी। देन पर्टिकुलर में क्या होगा? हमारा जो भी अकाउंट्स है, मीन्स वेज अकाउंट को छोड़ के जो भी अकाउंट है वो पर्टिकुलर हेड में आएगा, और आपका जनरल फोलियो मीन्स वही पेज रेफरेंस आ जाएगा जनरल फोलियो में, अमाउंट में फिर वही क्रेडिट से रिलेटेड अमाउंट आएगा। बस ये बात ध्यान रखना, जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में हम वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो भी हमें, वो कैश लेंगे जो हमें रिसीव होगा, और क्रेडिट साइड में वो कैश लेंगे जो हमारे पास से जा रहा है। मीन्स मेनली इसमें ये रूल फॉलो होता है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर। मीन्स जो डेबिट है उसने दिया है और रिसीवर जो क्रेडिटर है उसने लिया है। थैंक यू गाइस। अगर आप हमें अगर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको लाइक करें और हमें फॉलो कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, और हमें फॉलो करने के लिए आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमें ट्विटर पे भी फॉलो आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हमें ब्लॉगर पे भी ऑप्शन कर सकते फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग।